वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आईकैप की आटम 2020 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नसीर, अ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर ऑफ ओलिवर ट्रेवल्स लिमिटेड, वाइल रिव्यूइंग डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओटीएल, हैज शोन हिज कंसर्न ऑन द फॉलोइंग शेयर्स दैट आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ ओटीएल। सो कंसर्न बड़ा वैलिड है क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट तो ये है कि एक कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने नाम पर ही रखनी चाहिए। अ कंपनी मस्ट हैव इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन इट्स ओन नेम। लेकिन इस रूल की एक्सेप्शंस भी हैं, तो जो भी हम सिनेरियो देखेंगे, जो उन्होंने कहा है कि जो इश्यूज हैं उसमें ये दो इश्यूज दिए हुए यहाँ पर वन और टू, तो इस पर हम देखेंगे कि क्या एक्सेप्शन अप्लाई हो रही है। अगर एक्सेप्शन अप्लाई हो रही होगी तो फिर तो मसला नहीं है, और जहां पर एक्सेप्शन अप्लाई नहीं हो रही होगी तो फिर हम बताएंगे कि लॉ की कंट्रावेंशन हो रही है। सो रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस फॉर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ओटीएल इन द नेम ऑफ रहीम एंड समी। यानी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अपने नाम पर नहीं रखी हुई उनकी पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है, ये दोनों सिनेरियो में हमने बताना है। तो पहला सिनेरियो देखते हैं। 500 shares in Park Travels Private Limited, PTPL, are held in the name of Rahim, who is an employee of OTL. PTPL is wholly owned subsidiary of OTL. अच्छा, अब ये देखें कि Park Travels Private Limited, ये SMC कंपनी नहीं है जो सिंगल मेंबर हो, ये प्राइवेट कंपनी है SMC के अलावा, तो इसके कम से कम दो मेंबर होने चाहिए। wholly owned subsidiary का मतलब है कि 100% शेयर होल्डिंग किसके पास है, ओटीएल के पास है। तो ऐसे में जाहरी बात है कि फिर तो एक मेंबर बन जाता है, तो एक और पर्सन के नाम पर शेयर्स रखने पड़ सकते हैं। तो रहीम के नाम पर जो शेयर्स रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए होंगे ताकि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाए। तो हम अपने आंसर को तीन स्टेप में बताएंगे। पहली बात तो ये होगी कि जो पीटीपीएल है ये एक होली ओन सब्सिडरी है, इसका मतलब है कि इनके सिर्फ एक शेयर होल्डर है, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो इनके कम से कम दो मेंबर होने चाहिए, इसलिए ओटीएल ने अपने कुछ शेयर अपने एक नॉमिनी के नाम पर रखे होंगे, सो दैट के नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पीटीपीएल इज नॉट रिड्यूस्ड बिलो द स्टेट्यूटरी लिमिट जो कि टू मेंबर्स की है। दो से कम मेंबर्स ना हो जाए इसलिए एक और नॉमिनी के नाम पर शेयर रखे ताकि वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। 5000 शेयर्स ऑफ टूअर्स एंड टूअर्स प्राइवेट लिमिटेड आर हेल्ड इन द नेम ऑफ समी, हु इज नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर इन टीटीपीएल बाय वर्च्यू ऑफ ओटीएल नॉमिनेशन। ओटीएल ओन्स 30% वोटिंग शेयर्स इन टीटीपीएल, 30% शेयर्स हैं और एक जो कुछ शेयर्स हैं वो समी के नाम पर रखे हुए हैं जो के नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं नॉमिनेशन की वजह से, तो यह भी लॉ में एक्सेप्शन अलाउड है। ओटीएल हैज नॉमिनेटेड समी एज नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन टीटीपीएल एंड इट मींस ओटीएल हैव राइट टू अपॉइंट और गेट इलेक्टेड एनी पर्सन एज डायरेक्टर इन टीटीपीएल। तो नॉमिनेशन की भी है, इससे यह पता चल रहा है कि उनका राइट है कि वो अपनी मर्जी का एक डायरेक्टर अपॉइंट या इलेक्ट वहां पर कर सकते हैं, इसलिए ओटीएल का ये राइट है कि वो समी के नाम पर इतने शेयर ट्रांसफर कर दें जितने क्वालिफिकेशन शेयर। तो हमारी यहाँ पे रीजन जो होगी वो होगी क्वालिफिकेशन शेयर। कुछ कंपनीज ने अपने आर्टिकल्स के अंदर ये रिक्वायरमेंट रखी हुई होती है कि वही शख्स डायरेक्टर बन सकता है जिसके पास कम से कम सर्टन नंबर ऑफ शेयर हों, 5,000, 10,000, 8,000 कुछ भी, तो वो क्वालिफिकेशन शेयर की रिक्वायरमेंट होगी टीटीपीएल की। और उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि हमने समी को डायरेक्टर बनाना था तो समी को डायरेक्टर बनाने के लिए वो क्वालिफिकेशन शेयर्स उनके नाम पर होने चाहिए थे, तो ये रीज़न है जिसमें एक कंपनी रख सकती है और ये वैलिड रीज़न है, इसमें लॉ की कंट्रावेंशन नहीं हो रही होती। और ये शेयर्स जो हैं वो दो तरीके से रखे जा सकते हैं, यानी ज्वाइंटली भी किए जा सकते हैं समी के नाम पर और समी के नाम पर अलोन भी किए जा सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी तरीका भी रखा हुआ है वो दोनों ही एक्सेप्टेबल कंसीडर होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।